वहीं कांकेर के चारामा में आयोजित आम सभा में विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री अमरजीत भगत, अनिला भेड़िया और जनप्रतिनिधि ने चरामा में स्वर्गीय मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मनोज मंडावी अमर रहे, पीछे तक की आवाज आनी चाहिए। मनोज मंडावी अमर रहे, मनोज मंडावी अमर रहे। आज हम सब शोक में उपस्थित हुए हैं। भाई मनोज को जब से विधानसभा में, मध्य प्रदेश के विधानसभा में चुने, तब से हम लोगों को साथ रहा है। अनेक ऐसे अवसर आए, बस्तर के संदर्भ में, आदिवासियों के संदर्भ में उनकी गहरी समझ थी, और जहां आवश्यकता हो वहां वो अपनी बात बहुत गंभीरता और बहुत ठोस ढंग से अपनी बात रखते थे। मैं उनके प्रति बहुत ही श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, और उनके परिवार, उनके जो सहयोगी, उनके फॉलोअर्स, उनको सबको संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। क्या कहा जाए, ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि इस घोर दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। हालांकि संभव नहीं है, फिर भी उनके परिवार, उनके साथी मित्र संबल दे उनको। आज हमारे भैया ला आदरणीय मनोज सिंह मंडावी जी ला श्रद्धांजलि के साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना करूं कि वो पंचरण में ओला जगह दे, उस उनकी याद आएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत साधुवाद देता हूं कि आज उनके घोषणा किए हुए बहुत सारे कामों को आपने पूरा किया है, और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर उपस्थित। खबर कांकेर से है। सीएम भूपेश बघेल ने करोड़ों की सौगात दी है। चारामा को करोड़ों की सौगात दी। 50 करोड़ 55 लाख की लागत के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। 127 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। कई हितग्राहियों को समान सहायता राशि के चेक वितरित भी किए गए हैं। आम सभा को सीएम ने संबोधित भी किया। सूरजकुंड में चल रहे चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने नक्सलवाद पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज बंदूक वाला भी नक्सलवाद है और कलम वाला भी नक्सलवाद है, हमें इसके हर रूप को पराजित करना होगा। पीएम ने आगे कहा कि आज नक्सली हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं, जिससे देश को काफी नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। सीएम ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी, तो बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है, हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा जी। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं, बिखराव पैदा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी प्रेरणा हो, हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने। केंद्रीय पुलिस नाम की कोई चीज होती नहीं है, कानून व्यवस्था है वो राज्य सरकार का विषय है। केंद्र के पास जो पैरामिलिट्री फोर्स है और उसको डिप्लॉय हर राज्य में करते जहां आवश्यकता होती है, लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा बिना राज्य सरकार के सहमति के पैरामिलिट्री फोर्स लेकर सेंट्रल एजेंसियां कहीं भी जा रही है, और उन राज्यों में जहां विपक्ष सत्ता में है और
सेंट्रल एजेंसी के दुरुपयोग के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स का भी दुरुपयोग हो रहा है, और यदि सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं में यदि कोई परिवर्तन होता है तो के रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी ने निकाली है निगम की अर्थी। बीजेपी